अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है जी हमारी वैगनार, और आज हम जा रहे हैं अपनी वैगनार के सारे मैकेनिकल काम कराने। जितने भी मैकेनिकल काम है आज अपनी वैगनार के करा के आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये अपडेट देता चलूँ कि वैगनार की जो बैटरी है वो डेड हुई हुई है। और उस दिन मैं जब रिबॉन बाहर निकाल के गाँव गया तो उसको मैंने धक्का लगा के अंदर किया, और वो 3-4 दिन से ऐसे ही खड़ी है। और आज मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए रिबॉन की बैटरी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अपनी चाबी लेके आया हूँ, एडजस्टेबल। चलते हैं, रिबॉन की बैटरी खोलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इस बैटरी ख़त्म होने की वजह से मेरी शहजादी धूप में जल रही है, क्योंकि बाहर खड़ी थी। ये जी अपना शाही प्लास लेके आ गए, जिसको एक दफ़ा खोलने के लिए भी जान लगानी पड़ती है और बंद करने के लिए भी जान लगानी पड़ती है। खोल जाओ यार, आप मेहरबानी करी खोल जाए। उस्ताद जी कैसे बंद कर दिए ये चीज़। अभी ये पूरी साइंस रहती है खोलने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये वाला टर्मिनल खोलूं, लेकिन नहीं खोल सका। ये बिल्कुल इसकी आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल इसको जंग लगा हुआ है, कार्बन लगी हुई है। और फिर मैंने ये रिबॉन की बैटरी के साथ एक तार का जुगाड़ लगाया। मुझे लगता तो नहीं है कि ये कामयाब होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। शायद चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अगर मैं गाड़ी की बैटरी बीच में लगाना शुरू करता तो बहुत टाइम लगेगा। नो, मीटर ऑन हो गया लेकिन गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। ये मैं अपना इंजन डिग्रीसर लेके आया हूँ, ताकि इस टर्मिनल के ऊपर से थोड़ी सी रस्ट उतार लूँ। ऐसे आया था ये डिग्रीसर। ये गया हमारा प्लस, और ये गई ऊपर से कार्बन। हम दोबारा ट्राई मारते हैं। आपके भाई ने ये सस्ता सा जुगाड़ लगाया था जो कि फेल हो गया, क्योंकि ये तार बहुत हल्की क्वालिटी की है, इससे करंट अच्छे तरह से पास नहीं करता। जो बहुत हल्के क्वालिटी के, मैंने वैसे चवल मारी है, लेकिन चलें कोई तजर्बे करने चाहिए। और दूसरा, मेरे पास क्लैंप भी नहीं है कि जो ये अच्छे से जुड़े, ये लूज थे। तो अभी आपका भाई दुकान पे गया और ये अपने जी क्लैंप बनवा के लाया। ये तार भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की तार है। मुझे उम्मीद है ये अपना काम कर जाएगी, देखते हैं। क्योंकि अभी उस शॉप पे जो इसके लिए पावर वाली तार होती है वो थी नहीं, तो मैंने कहा वक्ती तौर पर मैं ये ले जाता हूँ। ये कौन सा है, नेगेटिव? इसको लगाते हैं नेगेटिव पे, सही लगे यार। और ये है पॉजिटिव, इसको लगाते हैं पॉजिटिव पे और चेक करते हैं। तो बिल्कुल नहीं बोल रही, गलत तो नहीं लगा दिया। नहीं, क्या गंदी सी आवाज़ निकाल रहे, कोई समझ नहीं आ रही। सारी कोशिश नाकाम होने के बाद अब मैंने इसकी बैटरी रिबॉन के अंदर रखी है और डायरेक्ट टर्मिनल लगाए हैं। अब पता नहीं क्या होगा, स्विच नहीं ऑन हुआ यार। फाइनली हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। हमें एक अदर बंदे की ज़रूरत पड़ी थी और वो हमने अपनी बेगम साहबा की मदद ली है और गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। और अभी हम बैटरियाँ अपनी अपनी गाड़ियों में लगा के मंजिल की तरफ चलते हैं।
अनार की पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी का एसी शायद काम नहीं करा, तो भाई ने बताया था कि नीचे से आपका ये जो एग्जॉस्ट है ये खुला हुआ है, तो इस वजह से नहीं काम कर रहा। वो भी मैंने वाकई उसको बंद किया तो चल पड़ा, मेरा आइडिया नहीं था, मैंने देखा भी नहीं नीचे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वैगनार चलाई थी। तो अभी वो गाड़ी का एसी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन थ्रो गाड़ी की थोड़ी सी कम है, उसके लिए गाड़ी का फिल्टर शायद फिल्टर पता नहीं इसमें होता भी है कि नहीं, लेकिन कराना पड़ेगा साफ शाफ, और उसके अलावा सर्विस करानी पड़ेगी थोड़ी सी। और गाड़ी के लाते आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यार अब सारे लोग ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि मुझे गाड़ी की डिटेलिंग खुद करनी चाहिए या किसी को बुलवा के, डोर स्टेप जो सर्विस वाली कंपनीज हैं उनको बुला के, जैसे मैं आगे फिनिक्स वाश वालों को बुलाता हूँ उनसे करवानी चाहिए। तो लाजमी बताइएगा, अगर आपने कहा कि घर पे करें तो फिर मुझे एक दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी और एक दो दिन बाद मुझे फिर इसकी डिटेलिंग की वीडियो बनानी पड़ेगी। ये जी हमारी गाड़ी के एंड बाहर आए और ये फारिग हुए हुए हैं, अनकरीब ये आवाज़ देना शुरू कर देंगे, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल लूज़ हो गए, इनको ऐसे आराम से हाथ से मूव नहीं करना चाहिए, चेक करें बिल्कुल लूज़ हो गए, ये चेक करें, अगर ये 100% ठीक होते तो ये कभी भी ऐसे मूव नहीं करते। ये दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि गाड़ी का इंजन कांपता है, वो इस ठीक तरह से कांपता है, ये चेक कर, ये टूट गया, अगर आपको पेचकस से मैं ला के दिखाऊँ तो ये चेक करो सारी हवा में शौक रही है ठीक है, क्या बात ठीक हो गया बिल्कुल, यस मैस ने फोर्ड शॉट के पास हां जी ना चले ही गुड। ये कितने ने मिले ने दो ठीक हो, गाड़ी का सारा मैकेनिकल काम करा दिया है, एक बैटरी नहीं ली है हमने तो मेरी बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, दो इंजन के फाउंडेशन टूटी हुई थी वो हम काबली लेके आए हैं, उसके अलावा दो एंड ख़राब थे लूज थे वो हमने ले लिए हैं काबली लिए मतलब, और उसके अलावा बस ये काम कराया हमने आज, चार चीज़ें एंड दो फाउंडेशन है और एक नई बैटरी, नई चीज़ें यही आई हैं, उसके अलावा बाकी जो गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह है प्लग वगैरह साफ कराएँ, टोटल बॉडी वगैरह साफ कराई है, गाड़ी आलमोस्ट जुड़ने वाली है, काम आलमोस्ट कम्प्लीट है, इसके बाद जाऊँगा एसी की सर्विस करानी है थोड़ी सी ताकि थोड़ा उसकी थ्रो अच्छी हो जाए, कूलिंग अच्छी कर रहे हैं, और उसके अलावा एक हॉर्न ख़राब है गाड़ी का, हेड लाइट में एक बल्ब मिसिंग है वो करना है और काम होता है। हम जी गाड़ी का काम करा के शाना उस्ताद की वर्कशॉप से निकल आए हैं, गाड़ी भी काफ़ी माशाल्लाह स्मूथ हो गई है, एक ऑकवर्ड सी आवाज़ आ रही है लेकिन वो ऐसी कोई मैकेनिकल आवाज़ नहीं है, वो कोई चीज़ लूज़ है जो गाड़ी वाइब्रेट करती है तो खड़कती है, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, वो जो वाइब्रेशन थी इंजन की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्लच प्लेट से उस्ताद जी ने चेक किया, कह रहे हैं अभी ठीक ठाक है यार, अभी इसको दबा के रखो, मैंने कहा चलो गुड, जो चीज़ नहीं डालने वाली वो तो हम डालनी नहीं है ना, उस्ताद जी का मोटो है जो चीज़ जब तक चलती है उसको चलाओ। अभी मैंने एसी की सर्विस करानी है, सर्विस मतलब देखते हैं क्या कराना है, थोड़ी सी थ्रो इसकी अच्छी हो जाए, वैसे तो ठीक लग रही है मुझे लेकिन फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं, बस नहीं आता है इसमें, इसमें नहीं है मेरा, नहीं इसमें नहीं, जगह ही नहीं, जगह बंद है, ये वापस लगाओ बाहर चेक करो सर्विस की जरूरत है कि नहीं, यहाँ तो भाई को कार कर कोई वैक्यूम में से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा, ये एस्पिरेटर से ब्लो हो रही है वैक्यूम भी करता है, नहीं ये ब्लो रही है, और ये भी ब्लो है, नहीं इसमें मेरे ख्याल से तो वैक्यूम भी है, ये वैक्यूम है, इसको चेक करें प्लस पता करें भाई सेंसर, ये ब्लोर है, अच्छा जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है एस्पिरेटर ब्लोर, इस पर भी एस्पिरेटर ब्लोर लिखा होगा, इसमें मेरे ख्याल से ब्लोर भी वैक्यूम भी होगा, पता करें भाई से। अलैकुम कैसे मैं उनको बता रहा हूँ, मैंने कहा इसमें वैक्यूम भी होगा और ब्लोर होगा, प्रॉपर कौन सा है ये बताएं,
हम भी मर गए, ये कोई मर गई रहता तो भी अच्छा ठीक है। अच्छा वैक्यूम क्लीनर सारा चाहिए आपको, सिर्फ वैक्यूम क्लीनर मिलेगा ठीक है आपको, ड्राई वैक्यूम, ड्राई एंड वेट दोनों है, जो थोड़ा बड़े साइज बड़ा साइज में वैक्यूम क्लीनर, फिर बड़ा लेना जिनको मिल जाएगा आपको वैक्यूम क्लीनर ठीक है। मेन वैक्यूम क्लीनर जो छोटे वाले जो है ना आपको दिखाया ये ठीक है, ये वैक्यूम भी है ब्लोअर भी है, इसमें दोनों ऑप्शन है ठीक है। इसको चेंज करेंगे आप, मुझे बैग भी लगता है हाँ, वो आगे नोजल वगैरह हो किसी, मैंने देखा था वीडियो में इसको। तो फाइनली गाड़ी का सारा काम मैंने करा लिया जी। तो क्या क्या कराया, गाड़ी की दो इंजन माउंट्स हुए वो टूटी हुई थी वो चेंज कराई हैं, काबली डलवाई हैं, दोनों माउंट्स 3500 रुपए की आई हैं, और इसके अलावा दो एंड्स थे जो सस्पेंशन में वो लूज थे वो नए लिए हैं 1500 रुपए के काबली, और इसके अलावा एक बैटरी हमने गाड़ी में नहीं डलवाई है 3500 रुपए की, और मेजर काम भी था, आज और कोई काम नहीं कराया, हमने ट्यूनिंग कराई है गाड़ी की, थ्रॉटल बॉडी वगैरह प्लग शक साफ कराए हैं, बाकी गाड़ी अलहमदुल्ला बिल्कुल सेट है, क्लच टच की थोड़ी सेटिंग करा ली है, थोड़ा लूज करा लिया क्लच, और इलेक्ट्रिशियन का जो काम था उसमें 4 बल्ब फ्यूज थे पिछली लाइटों के, फ्रंट लाइटों के वो सारे कराए हैं, हॉर्न ठीक रहा है गाड़ी का, और अब गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है, और वक्त के साथ साथ जब जब मैं इसकी मेंटेनेंस कराते रहेंगे ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है वो इसकी डिटेलिंग की होने वाली है, इस बारे में भी सोचूंगा, आप भी बताएं कि इसकी डिटेलिंग मैं खुद करूं या फिर किसी कंपनी से करवा लें। खुद करवाने के लिए भी मैं गया था आपके सामने साइकिल मोटर्स वालों के पास कोई वैक्यूम क्लीनर देखने, लेकिन उनके पास वो 2-in-1 जो ब्लोअर भी होता है एस्पिरेटर भी होता है वो था, उसकी कोई सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हुई, कोई मज़ा नहीं आया मुझे, तो मैंने कहा मैं भी 7000 रुपये का ले लूँ और काम मेरा ना करे तो फ़ायदा नहीं है, तो हमें लोग ओवर एक्सपीरियंस सर्च करेंगे कोई अच्छा सा प्रोफेशनल जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो मिल जाए उसके बाद ही, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के बगैर मज़ा नहीं आता सफाई का, अंदर ठीक ठाक मट्टी होती है वो निकालनी होती है, और देखते हैं जो ही कोई अच्छा वैक्यूम क्लीनर मिलता है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर परचेज़ करेंगे, एक दफ़ा तो डिटेलिंग का सारा सामान कम्प्लीट करना है हमने वैसे भी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाली है गाड़ी की डिटेलिंग के बारे में, या फिर गाड़ी की जो चीज़ें मिसिंग है जो डेकोरेशन का सामान व्हील कप वगैरह फॉग लाइट्स के कवर वगैरह वो मिसिंग है, सन वाइजर टूटे हुए हैं, ये हो सकती है इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो एक तो मैं ये फ्लेमिंगो का इंजन सिस्टम मेरे पास है, फ्लेमिंगो का फोम क्लीनर जो कि APC का काम करता है, ऑल पर्पज़ क्लीनर का काम करता है वो लेके आया हूँ, और एक WD-40 लेके आया हूँ रस्ट रिमूवर, ये मुझे 2-3 जगहों पे काम आएगी गाड़ी की डिटेलिंग करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको खर्चा भी बता दिया, तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये लग गया, और गाड़ी की जान में जान आ गई, क्लच पेयर ठीक ठाक है, और इंजन भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ पूरा था। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।